ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਲੀਸ਼ੇਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਨਮੀਤ ਦੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਭਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਨਮੀਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੋਰੇ ਨੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਇਸ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਨਮੀਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਮਨਮੀਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਮੀਤ ਤੇ ਨਸਲੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2007-08 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀਰ ਜੀ। ख्वाब तो लोगों को पता, जिंदगी की ख्वाब सी वो पता सब जानते हैं, उन्होंने ब्रिस्बेन भी जानते हैं तो इतने भी बहुत वधिया, मतलब मैं बयान नहीं कर सकता। मेरा भरा सी भी किमें, मैं नहीं कुछ बयान कर सकता। बस अज सवेरे ही उठे ही से, उठन सार ही सवेरे फोन आया भी इदा करके उत्थे एरिया ब्रिस्बेन दे विच, एक मरुका एरिया भी, मरुके दे विच एक बस ड्राइवर की घटना हुई है भी किसी ने ड्राइवर के उपर तेल पाता तो ड्राइवर की डैथ गई है भी। हजे ड्राइवर कन्फर्म नहीं होया भी, फोन फोन कर रहे हैं तो बाद चो जो कन्फर्म होया तो पता लगे भी मनमीत ही सीगा भी, यदि ही डैथ हुई है। तो खड़ा सीगा एक स्टॉप से सवारियां तार रहा सीगा जी उत्थे, तो कोई 50 साल का बजुर्ग गोरा कह रहे हैं। पहला तो यह कहा गया भी वह मैंटली डिसऑर्डर सीगा बंदा, पर मैंटली डिसऑर्डर सी तो मतलब उन्हें होर भी सवारियां सीगियां बस चो, होर भी गोरे से तो उन्हें पछाण करके इसे ते क्यों पाया थे, तो कितने ना कितने शक ही आ रहे भी यह नस्ल भेदी कह लो या भी एक रेजिस्ट अटैक होया। सानू तो यही लग रहा कि रेजिस्ट अटैक होया भी, वो तो पाया गया। पुलिस ने अजे तक यदि पुष्टि नहीं की, सीसीटीवी कैमरे च वीडियो आऊगी थोड़े दिनों तक तो उतो पता लगेगा भी असल दे विच की सी।